हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम सीखेंगे कि वेब व्यू कैसे बनाते हैं हमारे एंड्रॉयड में ब्राउज़ करने के लिए कोई पेज। ये ऐसे हम वेब व्यू बनाएंगे। चलिए देखते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ले पहले हम अपनी एक एम्प्टी एक्टिविटी बनाएंगे न्यू प्रोजेक्ट खोल के। ये हमारा एक नाम है, कोई भी नाम रख लें आप। ये हम रखेंगे माय ब्राउज़र, और जेली बीन पे कर लें तो अच्छा है क्योंकि ये ज़्यादातर डिवाइसेस को सपोर्ट करता है, इसलिए इस पर कर लें और फिनिश करके शुरू कर दें। ये अपना ग्रेडल बिल्ड रनिंग करेगा सारा वो स्कैनिंग फाइल्स, उसके बाद प्रोजेक्ट लोड हो गया। देखिए वो नीचे कर रहा है अभी सारा ग्रेडल बिल्ड करेगा। उसके बाद हम एक्सएमएल में अपनी एक वेब व्यू फाइल बनाएंगे एक्टिविटी मेन में, जो कि एक्सएमएल होती है जावा एक्टिविटी की। टेक्स्ट व्यू हमें नहीं चाहिए तो ये हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे वेब व्यू बनाएंगे, विड्थ उसकी मैच पेरेंट रखेंगे, हाइट भी मैच पेरेंट रखेंगे क्योंकि हमें पूरी स्क्रीन पे चाहिए इसलिए, और उसकी एक आईडी रख लेंगे ताकि उसे एक्सेस कर सकें। आप आईडी कोई भी रख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड है। उसके बाद हम यहाँ पे उसको डिक्लेयर करेंगे वेब व्यू, उसका नाम रखेंगे। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, नीचे उसको फाइंड करेंगे, उसको बताएंगे कि वेब व्यू कौन सा है, उसकी आईडी फाइंड करेंगे। उसकी आईडी हमने रखी थी वेब व्यू, और उसके बाद उसका यूआरएल लोड करना कि कौन सा यूआरएल होगा। यूआरएल हम इसलिए ऊपर शो करवा रहे हैं क्योंकि बाद में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आपने यूआरएल चेंज करना तो सीधा स्ट्रिंग वेरिएबल्स के बिहाफ पे आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा भी नीचे लिख सकते हैं डॉट लोड यूआरएल में। इसलिए हम ऊपर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बाद में भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये लोड यूआरएल लोड कर देगा। उसके बाद हम उसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं वेब सेटिंग्स, जो वेब व्यू को एक्सेस करने के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे ऐसे कॉल करते हैं वेब सेटिंग्स या सेटिंग्स उसका नेम है, और गेट सेटिंग्स किया हमने। सेटिंग्स के बिहार पे हम कॉल करवा सकते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड करेंगे ताकि वो कोई भी क्लिकिंग देख सके, कुछ भी कॉल करवा सकें उसके लिए। और उसमें एक होता है जूम कंट्रोल्स, जो जूम कंट्रोल दिखते हैं माइनस प्लस वाले वो ना दिखें, जूम सपोर्ट करे एक। ये सेट सपोर्ट जूम और सपोर्ट जूम एक जैसा ही है, तो अभी तो लगा दिया है, कोई बात नहीं, आप दोनों में से एक भी लगा दें, जूम सपोर्ट करे हमको किसी भी वक्त हम कर सके। उसके बाद हम करेंगे सेटिंग्स डॉट सेट लोड विद ओवरव्यू, ताकि वो पूरा जूम्ड आउट खुले सारा, हमारा वेब व्यू पूरे स्क्रीन पे अच्छी से खुले, और यूज़ वाइड व्यू पोर्ट भी कर देंगे, ये भी उसी की जैसा होता है। ये हम एक क्लियर हिस्ट्री कर देंगे ताकि वो ज़्यादा हिस्ट्री ना बनाए, नहीं तो बहुत सारी हिस्ट्री बना देंगे। कैश भी कर देंगे, ट्रू कर देंगे, वो बहुत ज़्यादा कैश ना बनाए और आपका वेब व्यू थोड़ा हल्का सा रहे ऐप आपकी। उसके बाद जो बिल्ट इन जूम कंट्रोल्स भी रख देंगे, थ्रू कर देंगे कि दो फिंगर वाले में जूम हो सके, डबल फिंगर पे पिंच टू जूम वाला होता है ये, और ये कैश मोड होता है उसमें रखेंगे लोड कैश विद एल्स नेट।
इतना हो गया। और उसके बाद हम मैनी डॉट में आपकी मैनिफेस्ट फाइल में जाएं और उसको इंटरनेट की परमिशन दे दें ताकि वो लोड कर सके हमारा यूआरएल। तो परमिशन दे दें कि हमने मैनिफेस्ट में परमिशन दे दी और उसके बाद हम लोड करवाएंगे। ये हमने लोड करवा लिया है, अपनी ऐप चला ली, लेकिन ये हमने यूआरएल सर्च किया, जब सर्च करते हैं तो वेब व्यू में नहीं खुलता, तो इसे देखते हैं कैसे करना। उसके बाद हम इसके वेब क्रोम क्लाइंट और वेब व्यू क्लाइंट दो मेथड्स होते हैं इनबिल्ट, वो हम कॉल करवाएंगे। वेब क्रोम क्लाइंट होता है एक, ये हम कॉल करवा के छोड़ देंगे बस। और वेब व्यू क्लाइंट होता है एक, ये मिस्टेक हो गई, माई वेब व्यू डॉट सेट वेब व्यू क्लाइंट, न्यू वेब व्यू क्लाइंट। और इसके कुछ ओवरराइड मेथड्स होते हैं जो आपको कॉल करवाने पड़ते हैं। एक ऑन पेज स्टार्ट ऑर्डर स्टार्टेड होता है, जो हमारा पेज स्टार्ट होगा तब ये कॉल होगा, और उसके बाद जब हमारा पेज फिनिश होगा तो ये ऑन पेज फिनिश्ड वाला मेथड कॉल होता है। जब हम किसी यूआरएल पे क्लिक करते हैं तो ये वाला मेथड कॉल होता है, शुड ओवरराइड यूआरएल लोडिंग। किसी भी मेथड पे आप किसी भी लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो ये वाला मेथड कॉल होता है। अब इसे हम रन करवा के देखते हैं ये क्या कहता है। अब ये अगले पेज पे भी जाएगा जब लिंक पे क्लिक करेंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोग्रेस बार इसमें कैसे लगाएं। प्रोग्रेस बार के साथ पता चल जाए कितना यूआरएल हो गया। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।